लॉकडाउन के दौरान घर बैठे माता अहिल्या बस वर्कर यूनियन के लोगों द्वारा सरकार से 3 माह की वेतन की मांग लगातार की जा रही है, जिसके तहत 10 लोगों द्वारा इंदौर के राजवाड़ा स्थित धरना प्रदर्शन किया गया। हाथों में पगार के लिए तख्ती लेकर धरने पर बैठे माता अहिल्या बस वर्कर यूनियन इंदौर के लोग सतत इंदौर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। मंगलवार को फिर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इनके द्वारा सांकेतिक धरना राजवाड़ा पर किया गया। इन्होंने मीडिया को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कोरोना संकट के काल के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें सभी प्रदेशों को भी पैकेज दिए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश को दिए गए पैकेज से चालक परिचालकों को 3 माह की 30,000 रुपए की सहायता राशि शीघ्र प्रदान किए जाने की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश संघ के द्वारा आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय करके भोपाल में विशाल आंदोलन की तैयारी भी की जा रही है। चालकों के कल्याण के लिए कुछ सहायता राशि उपलब्ध हो, उसकी मांग को लेकर के किया जा रहा है, और अगर यह मांग नहीं मानी गई तो मध्य प्रदेश संघ के द्वारा शीघ्र ही बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है, जिसमें जैसा ही निर्देश हम लोगों को मिलेगा वैसा ही हम लोग सब वहाँ भोपाल के अंदर करिए। पहले जो 8 तारीख को जो है मुख्यमंत्री महोदय इंदौर आए थे, उनको हमने पत्र भी दिया था, उसके बाद कलेक्टर को भी हमने पत्र दिया, उनसे बातचीत भी हुई है, उनको सब बताया गया है, और उसके बाद में कई बार हमने कलेक्टर साहब से मिलने का भी प्रयास किया, लेकिन अभी अब तक हमको मिलने का ना तो समय दिया गया है और ना ही कोई बातचीत हुई। इस कारण जो है हमारा आंदोलन निरंतर जारी है।